हरियाणा के जींद विधानसभा क्षेत्र से विजय दर्ज करके भाजपा के डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने एक नया इतिहास लिख दिया है। हरियाणा की राजनीति के इतिहास में पहली बार जींद में भगवा ध्वज फहराया है। जाट समुदाय के प्रभाव वाले हरियाणा राज्य के जींद विधानसभा हलके से आमतौर पर अग्रवाल या पंजाबी उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करवाता रहा है। जींद को कांग्रेस के बड़े नेता मांगे राम गुप्ता के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मांगे राम गुप्ता जींद से 4 बार जीते और इतनी ही बार हारे थे। जींद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव इंडियन नेशनल लोकदल के डॉक्टर हरी चंद मिड्डा के निधन के कारण हुए हैं। डॉक्टर हरी चंद का पिछले वर्ष अगस्त में निधन हो गया था। डॉक्टर हरी चंद दूसरी बार जींद से विधायक चुने गए थे। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से डॉक्टर हरी चंद के पुत्र कृष्ण मिड्डा को टिकट देना तय माना जा रहा था, लेकिन हवा का रुख देखते हुए अपने पिता की मौत के 2 महीने बाद ही डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने भाजपा का दामन थाम लिया था। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माहिर थे। वह विधायक चुने जाने के बाद भी रोजाना 200 मरीजों की जांच करते थे। डॉक्टर हरिचंद का अपने क्षेत्र के मतदाताओं से अच्छा तालमेल था। गरीब मरीजों से डॉक्टर हरिचंद दवाओं के पैसे तक नहीं लेते थे। कई बार दूर दराज से आए मरीजों को वे किराए के पैसे भी अपनी जेब से दे देते थे। जींद उपचुनाव में कृष्ण मिड्डा को अपने पिता की लोकप्रियता का पूरा लाभ मिला है। जींद विधानसभा क्षेत्र में परंपरागत रूप से कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में मुकाबला होता रहा है। अभी तक हुए जींद विधानसभा क्षेत्र के 12 चुनाव में कांग्रेस को 5 और लोकदल या इंडियन नेशनल लोकदल को 4 बार जीत हासिल हुई है। हरियाणा विकास पार्टी, एनसीओ और आजाद उम्मीदवार को 1-1 बार जीत दर्ज कराने का मौका मिला है। चौटाला परिवार में विभाजन के बाद पहला चुनाव होने के कारण जींद ने हरियाणा की राजनीति की ताजा तस्वीर भी साफ कर दी है। सबसे बुरी हालत अभय चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल की हुई है। इनेलो के उम्मीदवार उमेद सिंह 5 अंकों तक भी मत प्राप्त नहीं कर सके और उनको 5वें स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर कृष्ण मिड्डा का कुछ विरोध भी हुआ था, लेकिन भाजपा विरोध को दरकिनार करते हुए कृष्ण मिड्डा की चुनावी नैया पार लगाने में कामयाब रही है। जींद के परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कृष्ण मिड्डा को बधाई दी। शाह ने कृष्ण मिड्डा की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जींद की जनता ने भ्रष्टाचार और जातिवाद की बजाय विकास की राजनीति का चुनाव किया है। जाहिर है कि जींद विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का असर आने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव पर भी जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।